एक चूहे के कारण बांदा से लेकर लखनऊ तक बजने लगा फोन। मंत्री ने कहा सांप, डॉक्टर ने कहा चूहा और फंस गए अधिकारी। यूपी के मंत्री चूहे सांप के चक्कर में फंसकर अस्पताल पहुंच गए। 29 और 30 अप्रैल की आधी रात को बांदा में अधिकारियों की नींद खुल गई। चारों तरफ पुलिस की गाड़ी के सायरन बजने लगे। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। लखनऊ से लेकर जौनपुर तक फोन की घंटी बजने लगी। बांदा के अधिकारियों को आधी रात में फोन पर आवाज आई कि मंत्री जी को सांप ने काट लिया। योगी सरकार में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार तक को सूचना पहुंच गई कि मंत्री जी को गेस्ट हाउस में सांप ने काट लिया। अधिकारी जल्दी जल्दी 3 बजे रात मंत्री गिरीश चंद्र यादव को लेकर पहुंचे। दरअसल बुंदेलखंड में जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव बांदा जिले के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान एक चूहे ने उनको ये बता दिया कि जमीनी हकीकत क्या है। बांदा के मवई बाईपास पर सरकारी सर्किट गेस्ट हाउस है, वहीं पर मंत्री जी रुके थे। अचानक आधी रात को मंत्री जी की नींद खुली और उन्हें लगा कि सांप ने काट लिया। आनन फानन में अधिकारी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के बाहर अधिकारियों और एम्बुलेंस के साथ टीम तैयार हो गई कि रेफर केस में बड़े अस्पताल जाना होगा। अब आप सुनिए, मंत्री जी को सांप ने नहीं बल्कि चूहे ने काटा था। अब मंत्री को चूहे ने काटा तो अधिकारी हांफने लगे, लेकिन आप ये खबर सुनिए। मंत्री जी की घटना के बाद हम आपको एक घटना यूपी के रामपुर की सुनाते हैं, जहां एक व्यक्ति को 7 बार सांप ने काटा लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। एहसान ने एक सांप को मारा था। कुछ दिन बाद से एक सांप उसका पीछा करता है, जिसे वो नागिन कहता है। 6 महीने में 7 बार सांप ने डस लिया है। ये खबर सभी नेशनल मीडिया ने दिखाई, लेकिन एहसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट चलाई थी, जो हम आपको फिर से सुनवाते हैं। ये है एहसान उर्फ बबलू, जिनकी जिंदगी में एक नागिन की एंट्री 7 महीने पहले हुई है। एहसान के साथ जो हो रहा है वो सुनकर कुछ लोगों को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियां फिल्मी होती हैं। लेकिन 7 महीने पहले एहसान ने गांव में एक सांप को देखा तो मार दिया। एहसान को नहीं पता था ये गलती उनकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ेगी। सांप को छोड़कर एहसान उर्फ बबलू घर आ गया। हालांकि नागिन सब कुछ देख रही थी। इस बात को सब भूल गए, सबकी जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन नागिन एहसान से नाग की मौत का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थी। 1 महीने बाद एहसान को पहली बार सांप ने काटा। गांव वालों को सब कुछ सामान्य लगा। फिर दूसरी बार सांप ने बबलू को काटा तो इस बार इत्तेफाक सा लगा। लेकिन ऐसा जब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं बार हुआ तो यूपी के रामपुर में नाग नागिन की कहानी चर्चा में आ गई। हमें भी भरोसा नहीं हुआ तो हमारी टीम उसके गांव मिर्जापुर में पहुंची, जहां एहसान की जिंदगी में एक नागिन की एंट्री हो चुकी है। हमारे संवाददाता फहीम खान जब एहसान के पास गए तो उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था। गांव में सबकी जुबान पर एक बात है, नाग और नागिन। कहानी सिर्फ गांव तक ही नहीं है, DMSP के कानों तक पहुंच चुकी है। यानी रामपुर में नाग नागिन की कहानी में सबको दिलचस्पी है। अब सच क्या है ये बताएं, उसके पहले आप एहसान से ही सुनिए पूरी कहानी। यहाँ एक कहानी बहुत चर्चा में है, नाग नागिन के जोड़े में एक को मारने के बाद किसान को 7 बार नागिन के डस लेने का। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है एहसान अली उर्फ बबलू। अच्छा, क्या घटना है आपकी? घटना ये है, अब से सात महीने पहले दो सांप मेरे ऊपर हमलावर हुए, उसमें से मैंने नाग को मार दिया। अब जब से ही नागिन जो है मेरे ऊपर हमला कर रही है, काट लिया, पैर में काटा, हाथ में काटा, और जो है मतलब लगातार जो है मेरे ऊपर 7 महीने में 7 बार काट चुकी है। अच्छा, हाँ। तो ये जब वो काटती है तो उसका इलाज आप कैसे करते हैं? उसका इलाज जो है परिवार वाले लोग जो है एकदम मेरी हेल्प करते हैं, गांव वाले, और एकदम बेनजीर पे एक सरदार जी का फार्म हाउस है, वहाँ लेकर जाते हैं। मैं दवाई पी लेता हूँ तो मेरी जान बच जाती है। ऐसे में आप काम कैसे कर पा रहे हो खेतों पे? दो लोग मेरी सुरक्षा में है, बहुत दहशत है। आए दिन मैं उन्हें लेकर आता हूँ, कोई काम करने भी, मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, बच्चों का पालन पोषण भी करना है उन्हें, वो मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, वो जो दो लोग लेके आते हो आप, वो डंडा लेके क्या उस नागिन को देखते हैं कि आना जाए कहीं काटना? हाँ, देखते हैं, लेकिन जो है वो देखते हैं वो जो है कहीं ना कहीं से जैसे हटो बच्चे होते हैं थोड़े बहुत, वो मेरे ऊपर हमला कर देती है वो। अच्छा, लगातार हमला कर रही है? और वो 7 महीने हो गए लगातार, 7 बार काट लिया। अब इतना जानने के बाद आपको एहसान की कहानी सही लग रही होगी, लेकिन अब डसने वाला सांप वो नागिन है या फिर कोई दूसरा है ये कोई बता नहीं सकता। हालांकि एहसान को वो काटती है तो एहसान दावा करते हैं कि वही नागिन है जो बार बार हमला करती है। छोटे छोटे 4 बच्चों के पिता एहसान उर्फ बबलू की जिंदगी में एक डर है। संयोग है कि वो सांप के काटने के बाद भी बार बार बच जाते हैं।
लेकिन अगर उनकी मदद नहीं की गई तो ये कहानी फिल्मी होते हुए हकीकत में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।